करेंगे JTS ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल लीगल है, जेन्युइन है और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में वर्क कर रही है। कंपनी का ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट में 5/12/2013 से रजिस्टर्ड है। 5 सालों से ऑलरेडी कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी के सारे पंजीकरण प्रमाण पत्र आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास हैं और कंपनी जीएसटी सर्टिफिकेट भी है। आप ये देख सकते हो JTS ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि लखनऊ की कंपनी है और कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं जिससे कि ये एक लीगल कंपनी है। 5 सालों से ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रही है और अभी की डेट में इस कंपनी ने अपना एक यूनिट तैयार किया है जिसका नाम है सोशल एड वर्ल्ड, जो कि फरवरी 2018 से मार्केट में आया है और इस कंपनी ने सोशल एडवर्ड के जरिए लाखों लोगों को रोज़गार का एक साधन दिया है, रोज़गार का एक अवसर प्रदान किया है और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कंपनी के जो लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी के MD का नाम मिस्टर राजीव शर्मा और CMD मिस्टर अमित जौहरी जी हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। जो भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी ने लोगों को सम्मानित भी किया है। जो लोग यहाँ पे थर्ड लेवल अचीवर बन चुके हैं उन्हें कंपनी ने लखनऊ के एक सेमिनार में जो LDP का प्रोग्राम था वहाँ पे सम्मानित भी किया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इस टेंशन में कोई भी ना रहे कि यह कंपनी फ्रॉड है, फेक है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित साक्या और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर अमित साक्या चैनल। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें जिससे कि उनको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सोशल एडवर्ड में आप ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है, कैसे यहाँ पर इनकम होगी, किस तरीके से क्या होगा, इसके बारे में हम आपको लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो दोस्तों सब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो सोशल एडवर्ड का एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करते टाइम फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड अपना डाला होगा उस पासवर्ड को डालने के यहाँ पर रिमेंबर भी पासवर्ड पर भी क्लिक कर लें जिससे कि आपको बार बार यहाँ पे ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन और लॉगिन करने के बाद अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन जो किया था उसके बाद टास्क कंप्लीट नहीं किए होंगे तो आपको टास्क आएंगे, वो टास्क आप कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपकी ID एक्टिवेट नहीं हुई है तो आपको अपनी ID को एक्टिवेट भी कर लेना है, जो 199 रुपये से आपकी ID एक्टिवेट होगी। तो किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपने अपनी ID को बनाया है। आप यहाँ से किसी की भी ID को एक्टिवेट कर सकते हो, अपनी टीम की भी ID को एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर की ID को आप एक्टिवेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी की आईडी को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आगे जाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपकी आईडी कैसे एक्टिवेट होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर की आईडी को आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम के ऑप्शन और आपके डेबिट कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप पेटीएम से करना चाहते हो पे, तो पेटीएम का आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। मेरा पहले से लॉगिन हुआ है इसलिए आप पेटीएम को लॉगिन कर लोगे। अगर आप ATM कार्ड से अपना पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और अपने जो ATM कार्ड का ATM कार्ड नंबर और ये आपका डेट ऑफ एक्सपायरी डेट जो कि आपके आगे ही ATM कार्ड पे लिखा होगा और पीछे आपका 3 अंकों का जो होता है CVV कोड उसे डाल के पे नाउ करोगे। उसके बाद OTP आएगा आपके नंबर पे जिस नंबर से आपका
जो ATM लिंक है उस पे आपका OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप मेक पेमेंट कर दोगे तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और उस नंबर की ID एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये तो हो गई दोस्तों ID को एक्टिवेट कैसे करना है। उसके बाद आप जाके चेक करोगे अपने शॉपिंग वॉलेट में, तो शॉपिंग वॉलेट में आपको जो आपका जो 199 रुपये कटा होगा वो भी आपको अपने शॉपिंग वॉलेट में दिख जाएगा। ये यहाँ पे शॉपिंग जोन का ऑप्शन है, शॉपिंग जोन के ऑप्शन में एक सबसे पहला नंबर है आपका शॉपिंग वॉलेट का। तो शॉपिंग वॉलेट में आप अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे आपका 199 रुपये शो करने लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे और आपको क्या क्या करना है। तो आपको टीम यहाँ पे कैसे बनानी है, इनकम कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे दोस्तों होता है अपने 20 ऐड देखना। तो 20 ऐड आप कैसे देखोगे, ये यहाँ पे तीन लाइनें शो कर रही हैं, इन तीन लाइनों पे आपको क्लिक करना है जिससे कि आपके सारे ऑप्शन निकलेंगे। और चौथे नंबर पे आपका है माई ऐड का ऑप्शन, माई ऐड के ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे चार चार के समूह में आपको ऐड दिखाई देंगे। अभी मेरे यहाँ पे इन सभी ऐड पे आप देख रहे हो सीन लिखा हुआ है, ये नीचे तक 20 ऐड आते हैं इसके, तो इन सभी पे मेरा सीन लिखा हुआ है क्योंकि मैं अपने ऐड सीन कर चुका हूँ। तो जब आप अपना फर्स्ट टाइम ओपन किया करोगे डेली तो आपको ये व्यू का ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा, और जब आप व्यू पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऐड ओपन होगी जो इस तरीके की, ये देख रहे हो आप पे पार्ट टाइम जॉब, ये गूगल ऐड इनकी साइट पर रन करती है, इसी चीज़ का पैसा ये हमें देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने टोटल जो 20 ऐड होते हैं वो सीन करने हैं। ये गूगल ऐड जैसे ही ये यहाँ पे ऐड खुल गई है, इसे लगभग आप 25 से 30 सेकंड यहाँ पे खोल के रखें, उसके बाद बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद आपके यहाँ पे व्यू लिखा होगा वो सीन हो जाएगा। इस तरीके से आप ये यहाँ नीचे तक 20 ऐड सीन करोगे, और फिर कंफर्म करने के लिए कि भाई आपके ऐड सीन टोटल हो चुके हैं या नहीं, तो आप एक बार फिर से अपने डैशबोर्ड पे जाओगे। डैशबोर्ड अपने नाम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ से तीन लाइनें जो हैं इन तीन लाइनों पे भी क्लिक करके जो ऑप्शन निकलेगा एक डैशबोर्ड का, उस पे आप क्लिक करोगे तो भी आपका जो है डैशबोर्ड यानी कि जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होम पेज ओपन होगा, तो कुछ इस तरीके से आपकी जब ID एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पे मेरा लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर ID इज एक्टिवेटेड, क्योंकि मैं 199 रुपये अपने शॉपिंग वॉलेट में ऐड कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जब आप अपने ऐड सीन कर लोगे तो ये यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको टुडे ऐड स्टेटस, यहाँ पे आपका पहले पेंडिंग रहेगा जब तक आपके 20 ऐड सीन नहीं हो जाएंगे। जैसे ही आपके 20 ऐड पूरे सीन हो जाते हैं तो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो आप जाके डैशबोर्ड पे, यानी कि अपना होम पेज पे जाके सीन हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर अपनी टीम चेक करोगे तो ये यहाँ पे माई टोटल टीम के नीचे व्यू लिख के आ रहा है, व्यू पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी देर में ही आपकी टीम शो करने लगेगी कि आपके यहाँ पे डाउन में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी टोटल टीम शो करेगी। और ये यहाँ पे दोस्तों शो कर रहा है स्पॉन्सर ID, मैं तब तक ये दिखा देता हूँ आपको, ये स्पॉन्सर ID शो कर रहा है, स्पॉन्सर नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका उसी का नंबर शो करेगा जिसके द्वारा आप ज्वाइन हुए हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉन्सर नेम रमानंद वर्मा, तो ये मैं इनके द्वारा ज्वाइन हुआ हूँ इसमें। तो आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने जो स्पॉन्सर हैं उनको कॉल कर भी कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो मेरी जो यहाँ पे टोटल टीम है वो है 5470, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। और मैं आपको टोटल अपनी इनकम दिखाऊं तो आप इनकम मेरी देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरी टोटल इनकम है वो है $456 लगभग। अगर आप एवरेज लगाओगे तो ये 27,000 के प्लस जाएगी इनकम, $1 यहाँ पे 60 रुपये का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो हो गई इनकम की बात, आपको ऐड अपने देखने हैं उससे आपको इनकम होगी, यही काम आपको अपनी टीम से कराना है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे टीम कैसे बनाएं। तो टीम कैसे बनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे रेफरल लिंक में, तो यहाँ पे आप सेंड ऑन व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इंडियन वाली लिंक को आप शेयर कर सकते हो, जो आपकी लिंक है इंडियन वाली उसे आप शेयर करोगे। अभी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की जो सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस वजह से शायद ये नहीं हो रहा है।
तो मैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो, डायरेक्ट आप कंपनी की साइट पे जाओ, और कंपनी की साइट पे अगर आप जाओगे तो कंपनी की साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ पे ये ज्वाइन अस, ठीक है, आपको ये ज्वाइन अस का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ज्वाइन अस के ऑप्शन पे जाओगे। अगर आपके पास आप खुद किसी की आईडी बना रहे हो दूसरे मोबाइल पे, तो ज्वाइन अस पे आप जाओगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा तो वही सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी में आपको अपना नंबर डाल देना है। स्पॉन्सर आईडी में आपको अपना वही नंबर डालना है जिस नंबर से आपने अपनी आईडी बनाई है, तो स्पॉन्सर आईडी में उनका आपका नंबर डल जाएगा, और बाकी की डिटेल जिसकी आप आईडी बना रहे हो उसकी पूरी डिटेल डलेगी। और यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर नाउ करोगे वो बंदा आपके डाउन में आ जाएगा। तो फिर कैसे आपको चेक करना है कि वो बंदा आपके डाउन में है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे टीम में अपने चेक करना है कि कौन कौन बंदे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं आपकी टीम में। तो ये एप्लीकेशन से ही लॉगिन होगी, एप्लीकेशन से ही आप लॉगिन करें। तो यहाँ पे आप जाओगे, फिर से ये तीन लाइनें जो हैं उस पर क्लिक करोगे, और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे माय टीम का ऑप्शन है। माय टीम के ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी टोटल एक लेवल से लेके 7 लेवल तक की टीम शो करेगी। फर्स्ट लेवल में आपके वो मेंबर आएंगे जिन लोगों को आप अपने नंबर के थ्रू ज्वाइन कराओगे, और सेकंड लेवल में आपके वो मेंबर आएंगे जो लोग आपके फर्स्ट लेवल वाले मेंबर के नंबरों से जुड़े होंगे। ऐसे ही तीसरी लेवल में आपके वो मेंबर आएंगे जो आपकी सेकंड लेवल वाले मेंबरों के नंबर से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो टीम यहाँ पे लेवल शो होने लगी हैं, तो इन लेवल्स में आपके जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में आपके वो मेंबर शो करेंगे जिन लोगों को आपने अपने नंबर के थ्रू ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे कि आपके फर्स्ट लेवल में कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको कॉल भी कर सकते हो, कॉल करने के बाद आप उनको प्लान वगैरह पूरा सही से बता सकते हो जितना आप सीखते जा रहे हो, और आपको अगर कुछ नहीं पता है तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी आप चेक कर पाओगे किस बंदे ने अपना ऐड सीन कर लिया है, और किसकी आईडी 199 से एक्टिवेट हो गई है। जिसकी आईडी 199 से एक्टिवेट होगी वही बंदा यहाँ पे अच्छी इनकम कर पाएगा, ओके। तो ये यहाँ से आप टीम चेक कर सकते हो, जो भी लोग ज्वाइन होंगे उनको यहाँ से आप नंबर लेके उन्हें ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करवा के उनको सिखाते जाना है जितना आप सीखते जाओ। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे है प्रोफाइल का ऑप्शन। प्रोफाइल के ऑप्शन में क्या क्या आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोफाइल के ऑप्शन में आपको आपकी सारी डिटेल मिलेगी, आपका यूजर आईडी क्या है यानी कि नंबर, और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे शो करेगा, आपका नेम, मेल और ये जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आपको फिल क्या करना है, कॉन्टैक्ट में आपको अपनी सारी डिटेल सही से ही फिल करनी है, यानी कि सन ऑफ यानी कि आपके पिताजी का नाम, और आपका एड्रेस, आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और जो आपका एरिया पिन कोड है वो, मोबाइल नंबर आपका पहले से यहाँ पे फिल है, तो ये सारी चीज़ें फिल करके आपको सेव कर देनी है सही से ही। उसके बाद आपकी यहाँ पे है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल भी आपको यहाँ पे सही से फिल करनी है। नॉमिनी नेम में आप किसी भी परिवार के सदस्य का नेम डालोगे, और उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है या कुछ भी है वो आप फिल करोगे। अपना यहाँ पे पैन नंबर फिल करोगे, पैन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जिस नाम से आपकी आईडी बनी है उसी नाम का आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। और यहाँ पे फिर आप बैंक नेम, सिटी, बैंक नेम यहाँ पे फिल करोगे, अकाउंट नंबर, जो अकाउंट होल्डर्स नेम यानी कि आपका नेम पासबुक पे क्या है, और उसके साथ आपका जो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करोगे, अकाउंट टाइप सेविंग है, करेंट है, कैसा है, ये आप फिल करोगे, और बैंक सिटी, जिस सिटी में आपकी बैंक है वो बैंक सिटी यहाँ पे वो सिटी का नेम डालोगे, और यहाँ पे IFSC कोड, ये सारी चीज़ें सही से फिल करके अच्छे से चेक करके आप ये यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे और भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपना विड्रॉल लगाओगे तो फिर आप वो विड्रॉल जैसे ही आपके $25 आपके हो जाते हैं बैलेंस अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में आपको क्या होता है, जब भी आपकी जो इनकम हो रही होती है वो होगी, जिस महीने आपकी इनकम हो रही होगी वो होगी करेंट बैलेंस में। तो करेंट बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लगभग $14.5 हो चुके हैं करेंट बैलेंस में। तो करेंट बैलेंस की ये जो इनकम है ये 1 तारीख को आ जाएगी आपके बैलेंस अमाउंट में नीचे वाले में,
इनके यहाँ पे ये 30 तारीख तक आपकी इनकम जो भी होगी वो यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद आपके जो नीचे वाला बैलेंस अमाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट में आपकी टोटल 1 तारीख को जो करंट बैलेंस वाली इनकम है वो उठ के आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आपके जैसे ही $25 होते हैं आप अपना फर्स्ट विड्रॉल लगा सकते हो B2R की एप्लीकेशन में, जो B2R की एप्लीकेशन में भी आपको उसी नंबर से और ईमेल आईडी से नाम से वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो बिट्टू रिचार्ज की एप्लीकेशन आपने चौथे टास्क में इंस्टॉल की होगी। तो फिर यहाँ से आप माई अकाउंट में जाओगे, विड्रॉल आपका लगेगा 1 से 5 तारीख के बीच में, माई अकाउंट के ऑप्शन में जाओगे, उसमें पहला नंबर है माई ई वॉलेट, ठीक है, माई ई वॉलेट, आपको अदर घंटे वाले पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल जो है 5 तारीख तक खुला रहता है, हर महीने की 1 से 5 तारीख तक विड्रॉल लगता है, और आप यहाँ से ट्रांसफर टू बैंक, ट्रांसफर टू B2R दोनों में कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट विड्रॉ आपका जो है B2R में कंपलसरी रहेगा $25 का। तो यहाँ से आपका विड्रॉल लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद में सीखने को मिलेंगी। फिलहाल आपको अपनी टीम पे ध्यान देना है, आपको अपनी टीम को सिखाते जाना है, जितना आप सीखते जाओगे और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम होगी, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ पे ये तो हो गई आपकी 199 वाली डिटेल, तो यहाँ पे ये एक और है मैं दिखा देता हूँ, ये जो सोप नाव ऑन अपना स्टोर, तो सोप नाव ऑन अपना स्टोर से आप कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ पे जाके। ये इनकी कंपनी का खुद का शॉपिंग पोर्टल है, जो कि यहाँ से अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको इनकम होगी, उससे कुछ कमीशन आपको रिफंड आएगा। अगर आपकी टीम से कोई भी मेंबर कुछ भी खरीदता है तो आपको आपकी टीम से भी वहाँ से इनकम आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको करना मेन काम है, यहाँ पे आपको अपने ऐड देखना और अपनी टीम से ऐड दिखाना। जिस दिन आप अपने ऐड नहीं देखोगे उस दिन आपको उसके अगले दिन आपको टीम से इनकम नहीं आएगी। तो ये तो हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ भी आप यहाँ से खरीद सकते हो ऑनलाइन, ओके। और 7 डेज के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे कुछ भी खरीदोगे तो 7 दिनों के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे लॉगिन करोगे आप सेम सोशल एडवर्ड वाली डिटेल से, यानी कि जो आपका सोशल एडवर्ड वाला जो नंबर है उससे ही आपका यहाँ पे लॉगिन होगा। लेकिन जो आप यूजर आईडी डालोगे अपना नंबर, तो उसके साथ साथ आपको आगे SA यानी कि सोशल एड SA आपको यहाँ पे लगाना ज़रूरी रहेगा। जैसे मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो SA और मेरा नंबर आगे डला हुआ है, नीचे मेरा पासवर्ड डला हुआ है, उसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, SA अपना नंबर, उसके बाद नीचे अपना पासवर्ड और उसके बाद साइन इन। अगर यहाँ पे आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो तो जो ₹199 आपका वहाँ पे शॉपिंग वॉलेट में ऐड हुआ है वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, आपकी जो मर्जी हो वो आप खरीद सकते हो, नहीं मर्जी है तो आप नहीं खरीदो, ओके। तो वही है, मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज दिया हुआ है, आपको जो मेरे यहाँ पे लिंक है उस लिंक को आप खुद अपना लिंक बना सकते हो, किस तरीके से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये लिंक है दोस्तों, इसे आप कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जब पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल करना क्या है कि आपको जो मेरा मोबाइल नंबर डला हुआ है इक्वल के बाद में, यानी कि बराबर के चिन्ह के बाद में मेरा मोबाइल नंबर डला हुआ है, यहाँ पर आपको अपना आईडी वाला नंबर डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अपना दूसरा नंबर डाल देता हूँ, तो दूसरा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ करके, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लिंक के ज़रिए जो भी कोई ज्वाइन करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिल करेगा, तो जो स्पॉन्सर आईडी आपका नंबर है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये मेरा यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब कोई भी बंदा यहाँ पे अपना जो सारी डिटेल फिल करके रजिस्टर नाउ करेगा तो वो आपके डाउन में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फिर उसका टास्क वगैरह कंप्लीट करा के उनकी आईडी को एक्टिवेट कराइए और उनको डेली ऐड देखने के लिए बोलिए। बाकी की डिटेल आपको सारी ट्रेनिंग ग्रुप से मिलती रहेगी, जो चीज़ समझ में ना आए आप पूछते रहना, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों हम अब बात करेंगे थोड़ा प्लान के बारे में। आप यहाँ पे जब ज्वाइन करते हो तो उस टाइम आपको दोस्तों यहाँ पे कंपनी की तरफ से $0.5 का बोनस मिलता है, जिसकी INR में वैल्यू होती है, इंडियन रेट में वैल्यू होती है 30 रुपये। तो आपको पहले ही दिन यहाँ पे 30 रुपये की इनकम हो जाती है जब आप ज्वाइन करते हो, और आपका यहाँ पे डेली का जो वर्क होता है वो होता है 20 ऐड डेली देखना। सैटरडे को 20 ऐड नहीं देखने होते हैं, क्योंकि सैटरडे को हॉलीडे होता है ऐड देखने का, वहाँ पे सैटरडे को आपको इनकम नहीं मिलेगी। बाकी के संडे से लेके फ्राइडे तक आपको डेली ऐड देखने होते हैं, तभी आपको इनकम होगी।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे सेल्फ की एड देखने से हमें किस तरीके से इनकम होगी। तो दोस्तों जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप अकेले होते हो, अकेले जब आप आपकी टीम में कोई नहीं होता है तब तक आपको जो इनकम मिलती है वो मिलती है दोस्तों 9 रुपये। जब तक आप फर्स्ट लेवल अचीवर नहीं बन जाते हो, फर्स्ट लेवल अचीवर यानी कि जैसे ही आपके फर्स्ट लेवल में 10 लोग आ जाते हैं और उनकी आईडी 199 रुपये से एक्टिवेट हो जाती है तो आप फर्स्ट लेवल अचीवर बन जाते हो और फिर आपको जो सेल्फ के ऐड देखने से इनकम मिलेगी वो मिलेगी 6 रुपये। उसके बाद जैसे ही आपकी सेकेंड लेवल में 100 लोगों की आईडी 199 रुपये से एक्टिवेट हो जाती है तो आपको फिर उसके बाद इनकम जो आया करेगी सेल्फ के ऐड देखने से वो मिलेगी 3 रुपये। और जैसे ही आपकी तीसरी लेवल में 1000 लोगों की आईडी 199 रुपये से एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद आपको सेल्फ के ऐड देखने से इनकम नहीं होगी। दोस्तों अब हम चलते हैं कंपनी के इनकम प्लान के बारे में, जो रेफरल इनकम प्लान है इनका। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी फर्स्ट लेवल में यानी कि 10 लोग हो जाते हैं, आप 10 लोगों को जैसे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और उनकी आईडी 199 से एक्टिवेट होती है तो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है $1 का बोनस और आप फर्स्ट लेवल अचीवर यहाँ पे बन जाते हो। इसी तरह से जब आपके वो 10 लोग मिलके 100 लोगों को ज्वाइन कराते हैं नीचे तो आपकी सेकेंड लेवल अचीव हो जाती है और कंपनी आपको देती है ₹420 का जो बोनस यानी कि $7। इसी तरह से तीसरी लेवल में जैसे ही आपकी 1000 लोगों की आईडी एक्टिवेट होती है तो कंपनी आपको देती है ₹1200 यानी कि $20। और चौथी लेवल में जैसे ही 10000 लोगों की आईडी एक्टिवेट होती है कंपनी आपको देती है ₹4800 यानी कि $80। इसी तरह से पांचवी लेवल में जैसे ही आपकी 1,00,000 लोगों की टीम होती है आपको कंपनी देती है $750 यानी कि ₹45,000। ऐसे ही यहाँ पे पांचवी लेवल में जैसे ही वो छठी लेवल में जैसे ही आपके 1,00,000 लोग होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको ₹210,000 का बोनस मिलता है। और सातवीं लेवल में जैसे ही आपके 1 करोड़ लोग होते हैं तो आपकी जो इनकम होती है यहाँ पे ₹9,00,000 की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिर्फ एग्जांपल 10 लोगों का है, 10 लोग अगर मिलके ये काम करते हैं, सभी लोग अपने 10-10 लोग नीचे ज्वाइन कराते हैं तो आपको सिर्फ 10 लोगों से ये रेफरल इनकम इस तरह से मिलती है। और ये दोस्तों रेफरल इनकम सिर्फ एक ही बार मिलती है, हर लेवल से एक ही बार आप जैसे लेवल अचीव करते हो उसी का आपको ये बोनस मिलता है, यही यहाँ पे रेफरल इनकम है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं कंपनी के टीम एडव्यू इनकम प्लान के बारे में जो कि आपको पर डे होगा। और यहाँ पे टीम बनाने से ही आपको इनकम होगी, जब आपकी टीम ऐड देखेगी तो उससे आपको क्या इनकम होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी फर्स्ट लेवल में दोस्तों हैं 10 लोग तो 10 लोगों से आपको आएगा डेली का ₹12 यानी कि एक बंदे से आपको मिलेगा ₹1.20। अगर ये 10 लोगों से यहाँ पे आपके ज़्यादा हैं, अगर 10 की जगह 100 लोग हैं तो यहाँ पे ₹120 की इनकम डेली उनके ऐड देखने से बनेगी। अगर ये कम हैं तो कम बनेगी। अगर 100 नहीं है आपके यहाँ पे 10,000 लोग हैं तो उस हिसाब से इनकम होगी। 10,00,000 लोग हैं तो उस हिसाब से इनकम होगी। जितनी बड़ी टीम होगी और जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम से ऐड देख रहे होंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 10 लोगों का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपके अगर फर्स्ट लेवल में सिर्फ 10 लोग हैं तो आपको डेली उनके ऐड देखने से आएगा ₹12। इसी तरह से जब वो 10 लोग आगे 10 लोगों को अपने अपने लिंक से ज्वाइन कराएंगे तो आपके वो सेकंड लेवल में सारे लोग आएंगे, यानी कि जब वो 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो सेकंड लेवल में हो जाएंगे 100 लोग और उनसे आपको इनकम डेली आएगी 60 पैसे के हिसाब से ₹60। और आपकी जैसे ही थर्ड लेवल में जैसे ही वो 100 लोग 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको उनसे इनकम आएगी $5 की यानी कि ₹300 30 पैसे के हिसाब से आएगी। और चौथी लेवल में आपके अगर वही 1000 जो तीसरी लेवल वाले 1000 लोग 10 लोग ज्वाइन कराते हैं तो आपकी चौथी लेवल में हो जाते हैं 10,000 लोग और जब वो डेली अपने ऐड देखते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम जो बनेगी वो $25 की बनेगी यानी कि ₹1500 यानी कि 15 पैसे के हिसाब से इनकम होगी यहाँ पे। और पाँचवीं लेवल में जैसे ही आपके फिर इसी तरीके से 1,00,000 लोग हो जाते हैं, 1,00,000 लोगों से आपको आएगा ₹10,200 पर डे। और छठी लेवल में आपके हो जाते हैं 10,00,000 लोग, 10,00,000 लोगों से आपको डेली $800 आएगा यानी कि ₹48,000। और सातवीं लेवल में दोस्तों आपके जब वो 10,00,000 लोग 10 लोग ज्वाइन कराएं तो आपकी सातवीं लेवल में हो जाते हैं 1 करोड़ लोग, जिससे आपको डेली इनकम होगी ₹1,80,000 की। तो टोटल इनकम यहाँ पे दोस्तों जो बनेगी वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम बनेगी। तो ये बहुत बड़ी इनकम है और ये इनकम है दोस्तों पर डे की। अगर इस तरीके से 10 लोगों के एग्जाम्पल में आपकी टीम बनती है और वो डेली ऐड देख रहे हैं तो आपकी पर डे की इनकम ₹2,42,000 के समथिंग यहाँ से बनेगी। तो बहुत ही बड़ी इनकम यहाँ पे आपकी होगी। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी, कम टीम होगी कम इनकम होगी और ज्यादा टीम होगी तो इससे भी ज्यादा इनकम होगी। ये सिर्फ 10 लोगों का एग्जांपल है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, अगर आपकी टीम से कोई भी कुछ भी खरीदता है मिनिमम ₹1,000 की, अगर कोई भी आपकी टीम से किसी भी लेवल से कोई भी मेंबर कुछ खरीदता है तो आपको किस तरीके से इनकम उससे भी होगी। अगर आपकी फर्स्ट लेवल से कोई भी मेंबर ₹1,000 की मिनिमम शॉपिंग करता है तो आपको उस बंदे से आएगा ₹20।
अगर आपकी सेकेंड लेवल से कोई भी मेंबर मिनिमम 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो आपको उस बंदे से आएगा 10 रुपये का कमीशन। अगर आपकी तीसरी लेवल से कोई भी मेंबर 1,000 रुपये की मिनिमम शॉपिंग करता है तो आपको उससे आएगा 10 रुपये का कमीशन। और चौथी लेवल से अगर कोई भी फिर मेंबर 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो उससे आपको आएगा 20 रुपये। पाँचवीं लेवल से भी आपको दोस्तों अगर कोई भी शॉपिंग करेगा तो उससे आपको आएगा 10 रुपये का कमीशन। और अगर छठी लेवल से अगर कोई भी शॉपिंग करता है तो उससे भी आपको आएगा 10 रुपये का कमीशन। और अगर सातवीं लेवल से फिर से कोई शॉपिंग करता है 1,000 रुपये की मिनिमम, तो 1,000 रुपये की शॉपिंग करने से वहाँ से भी आपको आएगा 20 रुपये का एक बंदे से कमीशन। तो ये इनकम किस तरीके से आपकी हो सकती है ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी टीम सिर्फ 10 लोगों के एग्जांपल से बनी हुई है 7 लेवल तक तो आपको किस तरीके से इनकम होगी। अगर आपकी फर्स्ट लेवल में है 10 लोग और वो 10 लोग अगर शॉपिंग कर रहे हैं 1,000 रुपये की मिनिमम, 1,000 रुपये की शॉपिंग अगर वो कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये की उनकी शॉपिंग करने से एक बंदे से आएगा 20 रुपये। और जो टोटल इनकम अगर आपके 10 लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो बनेगी 200 रुपये। आपकी अगर दूसरी लेवल में है 100 लोग और वो लोग अगर 1,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये का एक बंदे से कमीशन आएगा, टोटल इनकम जो आपकी बनेगी 1,000 रुपये। तीसरी लेवल में आपके हो जाते हैं 1,000 लोग और 1,000 लोग अगर अपनी शॉपिंग 1,000 रुपये की वो कर रहे हैं तो आपको उनसे भी आएगा 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये। और आपकी पांचवी जो चौथी लेवल है वहाँ पे हो जाते हैं 10,000 लोग। 10,000 लोग जब आपकी वहाँ पे शॉपिंग करेंगे 1,000 रुपये की तो उनसे आपको एक बंदे से आएगा 20 रुपये और आपकी जो टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी 2,00,000 रुपये। इसी तरीके से पांचवी लेवल में आपके हो जाते हैं 1,00,000 लोग और 1,00,000 लोग जब अपनी शॉपिंग करें अगर 1,000 रुपये की तो आपकी जो टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी एक बंदे के हिसाब से 10 रुपये। और टोटल जो इनकम बनेगी वो बनेगी दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे 1,00,000 लोग हैं तो आपकी इनकम बनेगी 10,00,000 रुपये। इसी तरीके से छठी लेवल में अगर आपके हो जाते हैं 10,00,000 लोग और यहाँ भी आपको एक बंदे से मिलेगा 10 रुपये का कमीशन उनके 1,000 रुपये की शॉपिंग करने पे, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम टोटल बनेगी वो बनेगी 1,00,000 रुपये। और इसी तरीके से सातवीं लेवल में आपके हो जाते हैं 1,00,000 लोग और 1,00,000 लोग जब वहाँ से शॉपिंग कर रहे होंगे 1,000 रुपये की मिनिमम तो आपको एक बंदे से आएगा 20 रुपये। इस हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम सातवीं लेवल से बनेगी वो बनेगी 20,00,000 रुपये। तो जिस हिसाब से जो भी बंदा जिस लेवल से इनकम करेगा उस हिसाब से इसी तरह से आपको इनकम होगी। अगर कम बंदे शॉपिंग कर रहे हैं तो कम होगी, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगी। तो आप चाहें तो उनको शॉपिंग करने के लिए प्रेरित जरूर करें क्योंकि शॉपिंग वो हमेशा कहीं ना कहीं से करते ही हैं। तो वहाँ पे आपको 7 दिन के अंदर कंपनी का जो भी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे वो 7 दिन के अंदर उनको पहुँचेगा। और 1,000 रुपये की शॉपिंग करने पे उन सभी लोगों को 100 रुपये का कैशबैक उनके अपना वॉलेट में मिल भी जाएगा। ये सभी लोगों के लिए 100 रुपये का कैशबैक सभी को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वो शॉपिंग करते हैं तो वो जाते हैं कंपनी के जो दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर इनका चल रहा है उसके लकी बोनंजा में शामिल होते हैं। और वहाँ पे अगर उनका लकी नेम निकलता है तो क्या वो जीत सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का महाबोनंजा ऑफर है वो बहुत ही बड़ा है। दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर जो ऑफर है इनका बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जो भी बंदा मिनिमम 1,000 रुपये की शॉपिंग अपना स्टोर से करेगा तो उसको मिलेगा एक लकी कूपन 1,000 रुपये में, जो कि वो शॉपिंग तो करेगा ही करेगा लेकिन उस लकी कूपन में वो बन सकता है विनर। तो फर्स्ट विनर को यहाँ पर मिलेगी दोस्तों ऑडी A3 और यहाँ पे सेकंड विनर को मिलेगी ब्रिज्जा कार। तो ऑडी A3 की कीमत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑडी A3 की कीमत कंपनी ने बताई हुई है 30,00,000 रुपये, जो कि कंपनी के लॉन्चिंग जो सेमिनार होगा जो 31 दिसंबर 2018 को लखनऊ में होगा वहाँ पे ये सारे प्राइज उनको बांटे जाएंगे जो जो यहाँ पे लकी होंगे। तो दूसरा प्राइज मैंने बताया आपको ब्रिज्जा कार मिलेगी किसी एक बंदे को, और तीसरा प्राइज है जो कि क्विड कार है ये किसी दो बंदे को मिलेंगी, और यहाँ पे चौथा प्राइज है जो बाइक है ये चार यहाँ पे जो बाइक 4 लोगों को मिलेगी, और पांचवा प्राइज है लैपटॉप, ये 15 लोगों को लैपटॉप मिलेगा। जो भी यहाँ पे 1,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं उन सभी को कूपन मिलेगा, उस कूपन में अगर उनका लकी नंबर निकलता है तो वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के हकदार बन सकते हैं। तो छठा प्राइज जो है वो है LED 32 इंच की TV, ये 20 लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे जो सातवा प्राइज है वो है एंड्रॉयड मोबाइल जो कि 30 लोगों को मिलेगा। तो 1,000 रुपये की शॉपिंग करने पे आप ये प्रोडक्ट के हकदार भी बन सकते हो अगर आप लकी होते हो तो। और अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है तो कंपनी की तरफ से 100 रुपये का जो कैशबैक है अपना वॉलेट में वो मिलेगा ही मिलेगा सभी को। तो यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपये की शॉपिंग करने पे ये
प्रोडक्ट के आप लकी विनर बन सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा कंपनी का ऑफ़र चल रहा है जो कि 31 दिसंबर तक है, और 31 दिसंबर को ही यहाँ पे जो ऑडी 30 लाख की कार का जो विनर होगा वो यहाँ पे घोषित किया जाएगा और वहीं पे ये जो गाड़ी है उस बंदे को दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये में आपको एक कूपन मिलेगा, अगर आप जैसे 1 के मल्टीप्लाई में करते हो, यानी कि आपको जितने कूपन यहाँ पे जनरेट करते हो, जितनी बार यहाँ पे आप 1000 रुपये की शॉपिंग करोगे, हर 1000 रुपये की ख़रीदारी पे आपको यहाँ पे उतने ही कूपन मिलेंगे और आप इस जो ऑफ़र के ज़्यादा आपके चांस बन सकते हैं यहाँ पे जीतने के। और दोस्तों जो भी आप यहां से ख़रीदोगे वो सामान आपको 7 से 10 दिनों के अंदर आपके जो आप जो यहां पे एरिया पिन कोड जो भी फिल करोगे अपना एड्रेस वहां पे 7 से 10 दिन के अंदर आपको वो डिलीवर भी हो जाएगा। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो अपनी पूरी टीम में शेयर करना जिससे कि सभी लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।